ग्राम प्रधान मोहम्मद फारूक को मैं अवैध तमंशा व खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। आखिर यूक्रेन में फंसी सृष्टि विल्सन विदेश लौटी। सृष्टि विल्सन आखिरकार विदिशा लौट गई। सरकार का धन्यवाद किया। पीएमओ ऑफिस के नाम पर हुई थी मां से ठगी। सृष्टि यूक्रेन के क्यू शहर से कर रही थी MBBS और सुरक्षित घर पहुंची सृष्टि। पिछले कई दिनों से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। ऐसे गहरे संकट के बीच कई भारतीय से छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, जहां पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं, जिसकी वानगी देखने को मिल रही है। ऐसी एक विदिशा की बेटी जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रही, आज बड़ी मुश्किल से विदिशा वापस आई। युद्ध के साए से विदिशा की बेटी सृष्टि विल्सन आज विदिशा स्टेशन पर पहुंची, जहां पर स्थानीय समाज सेवकों और स्थानीय नागरिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सृष्टि ने बताया कि वह पिछले 6 दिनों से यूक्रेन के पोलैंड के बॉर्डर के लिए पैदल चली, जिसके बाद वह केंद्रीय मंत्री आज जनरल वीके सिंह से मुलाकात की। सृष्टि ने बताया कि उन्होंने सभी छात्रों को मोटिवेट किया, जिसके बाद वहां से फ्लाइट से भारत रवाना किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आज ट्रेन के माध्यम से सृष्टि 9:30 विदिशा स्टेशन पहुंचे। गौरतलब है कि विदिशा जिले में रहने वाले सृष्टि की मां वैशाली विल्सन ने मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई थी, मेरी बेटी को जल्द वापस लाया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से सृष्टि दर्शन आज विदिशा सकुशल पहुंच चुकी। सृष्टि के लौटने के बाद उनकी मां के लिए भावुक कर देने वाला पल था। उन्होंने सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। सरकार का सराहनीय कार्य। सृष्टि ने विदिशा स्टेशन पर आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि समय बहुत कठिन था, लेकिन सकुशल घर पहुंच गए तो बहुत अच्छा लगा। घर जाकर बहुत खुश हूँ। वेलकम विदिशा, कैसा रहा सफर यूक्रेन से विदिशा का? सफर तो थोड़ा कठिन था, पर हमने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से मैं निकली थी कम से कम 6 दिन पहले, और फिर मैंने लवीव तक सफ़र करा, जो मतलब बहुत कठिन था क्योंकि हम 10 घंटे तक सिर्फ खड़े होकर आए वहाँ से। और उसके बाद फिर हम पोलैंड बॉर्डर पे गए, वहाँ से हम फिर से 10 घंटे हमने वेट करा ठंड में बर्फ़ के उसमें, पर फिर हमने हिम्मत ना हारते हुए कोशिश करते गए और फिर पोलैंड आके हमें सरकार ने वहाँ से निकलवा लिया जी। तो वो सफ़र अच्छा था और नई नई चीज़ें भी सीखने मिली जो ज़िंदगी भर साथ रहेंगी हमारे और साथ देंगी हमारी। तो लंबी तपस्या की, नया संघर्ष पूरा हुआ, आप सफलता मिल रही है, दिल्ली में बेटी को मिली, कैसा लगा आज विदिशा वापस आई? पिछले 10 दिनों से भाई साहब बस एक ही मन था कि किसी प्रकार जल्दी से बच्चे सकुशल आ जाए, और वो आज पूरा हो गया। बहुत खुशी हुई और साथ में सबके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, सारे विशेषकर जितने विदिशा के पत्रकार भाई लोग हैं, सबने मेरी बात को आगे तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करी, और इसी के कारण मेरी बात CM सर और PM सर तक भी पहुंची और ये सब काम बहुत अच्छे से हो पाया और बिटिया आज सकुशल यहाँ पे आ चुकी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।